आज हम फिजिक्स में कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नई वेलोसिटी के बारे में, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का वैसे तो मतलब होता है भागना या दौड़ना, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि भागने या दौड़ने वाली वेलोसिटी, लेकिन इसका मीनिंग कुछ इसी से मिलता जुलता है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे हम किसी भी बॉडी को ज़मीन की सरफेस से बाहर इस तरह से फेंके कि वो दोबारा ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि ज़मीन किसी चीज़ को अपने से बाहर इस तरह से फेंके कि ज़मीन के, भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं चूंकि तुम्हें अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक रही हूँ और तुमने दोबारा नहीं आना, तो उस वेलोसिटी को हम लोग जो है वो एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले कुछ वीडियो में, मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने कहा था कि अगर हम किसी भी जिस्म को ज़मीन से कुछ बुलंदी पर ले जाकर हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, चाहे इस तरफ हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं या इस तरफ, तो वो जो बॉडी है वो ज़मीन के अराउंड रोटेशन शुरू कर देती है जिस वेलोसिटी से हम उसे फेंक रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारी दी गई वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से हम फेंकें कि वो बजाय रोटेशन शुरू करने के ज़मीन के अराउंड ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए, तो उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि इन दोनों डायग्राम्स में है कि हम किसी बॉडी को कोई वेलोसिटी दे के हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो अगर तो वो वेलोसिटी इतनी कम है तो वो ज़मीन के अराउंड रोटेशन शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि बजाय रोटेशन शुरू करने के वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए, तो इस वेलोसिटी को हम लोग वी स्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इन दोनों में इसी तरह से ये जो वेलोसिटी आ रही है जिससे बॉडी जो है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को बिल्कुल ही छोड़ा है, इसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी की जिसे हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। और हमें मालूम कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा 1/2 mv² के इक्वल होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, इस बॉडी के सेंटर से ज़मीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो अब ये भी मास ऑफ द बॉडी और ये भी मास ऑफ द बॉडी, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। और जो हमारी वी स्केयर है, अगर मैं 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वी स्केयर मेरे पास 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है जिसे मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, वो आ जाता है। तो अब अगर मैं एक और बात समझाना चाहूँ कि हम लोगों ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में ही बताया है कि न्यूटन ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो इंसान के अंदर, जिस यानी कि अर्थ और किसी बॉडी के दरमियान, तो वो इस एक्सप्रेशन से बताई जा सकती है। अब अगर मैं Fg की जगह ये लिखना चाहूँ कि जो फोर्स होती है वो तो Fa के इक्वल होती है, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेना चाहिए और इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना चाहिए। तो मेरे पास Mg बराबर है जी मास ऑफ अर्थ और मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरह से ये मास फिर इससे कट जाता है, मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर निकल आती है। इसको करने का, अब अगर मैं आर है, आर को भी सेपरेट कर लेती हूँ, मज़ीद फार्मूला छोटा कर लेते हैं, इसको करने का भी फ़ायदा होगा जो मैं बाद में बताती हूँ। अब इस तरह से आर को लिख सकते हैं ना, और एक आर को उठाकर मैं अगर यहाँ ले जाऊँ तो ये जी आर बराबर है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। अगर गौर किया जाए तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वही नहीं जो भी हम लोग कर आ रहे, सेम यही चीज़ हम लोगों ने दोबारा बनाई है। इसको बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि इतने बड़े एक्सप्रेशन की जगह मैं आसानी से जी आर लिख सकती हूँ, सारी वैल्यू की जगह जी आर लिख सकती हूँ। तो वी स्केयर का जो हमारा एक्सप्रेशन था वो इस तरह से था 2gme/r, तो मैं इस सब चीज़ सारी चीज़ की जगह जी आर आसानी से लिख सकती हूँ। तो अगर मैं ये लिखूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, वी स्केयर बराबर है 2g R। तो वी जो सिंपल वी स्केयर वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ गया 2gr का। तो अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँ, मुझे मालूम है कि जी की जो वैल्यू है वो 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर चूँकि रेडियस है तो ये 6.4 × 10⁶ मीटर्स लिख लेते हैं मीटर्स में अगर मैं ले लूँ तो वी स्केप अर्थ के लिए जो वी स्केप है, इन सब वैल्यूज को पुट करने से यहाँ पे अगर पहले 6.4 लिख लेते हैं 10⁶, और जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 9.8,
तो ये अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारी निकल आती है। इसी तरह मून की अलहदा स्केप वेलोसिटी है जो कि 2.4 है। अगर मैं मून की स्केप वेलोसिटी बताती हूँ जी, मून की उसकी सरफेस से, ये भी अर्थ की सरफेस से ही थी ना, क्योंकि सरफेस से हम किसी चीज़ को बाहर फेंक रहे हैं, तो अर्थ की सरफेस पे जो स्केप वेलोसिटी है वो इतनी है, ये अर्थ के लिए है। और मून के लिए जो स्केप वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है इसी तरह जो है हमारा मास जो हमारा एक सियारा है उसके लिए 5 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये हमारी स्केप वेलोसिटी है। वैसे ही अगर मैं इसकी इमेज दिखाना चाहूँ, जैसे कि मुख्य इमेजेस हैं रॉकेट वगैरह, अगर उन्हें भी हम जमीन के सरफेस से बाहर स्केप कर दें कि बाहर फेंक दें कि वो दोबारा आए ही ना ज़मीन पर, तो ये कुछ इमेजेस हैं। इस तरह से हम ज़मीन की सरफेस पर मुख्य चीज़ों को ले जाकर किसी न किसी वेलोसिटी से उन्हें ज़मीन की सरफेस से जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो वो जैसे ज़मीन की सरफेस से इस तरह की वेलोसिटी से बाहर फेंकते कि वो दोबारा ज़मीन की सरफेस पर आए ही ना, तो इस चीज़ को जो है हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारा स्केप वेलोसिटी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट था कि स्केप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये क्या किस तरह से हमारी जो है अर्थ के लिए फ़ायदा मंद होती है। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग अर्थ से बाहर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देते हैं कि हमें जैसे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से जैसे ये रॉकेट है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन्हें हम ज़मीन के सरफेस से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें फेंकने का तरीका ये होता है कि उन्हें कुछ ऐसी वेलोसिटी दी जाए कि वो ज़मीन के अराउंड रोटेट करने के बजाय किसी न किसी वेलोसिटी से स्केप कर दें, ज़मीन को छोड़ दें, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चल दें। तो इसे हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं।